हाय फ्रेंड्स, सिक्स सिस्टर रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं रक्षाबंधन और फ्रेंडशिप डे के लिए एक स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है सिंधी सिंगार जी की मिठाई। इसको सेव की बर्फी भी कहते हैं। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए हमें बेसन, दूध, घी, केसर में भिगा हुआ दूध, मावा, बादाम, पिस्ता, इलायची पाउडर और तेल, शक्कर और रोज़ वाटर। अब मैंने दो कटोरी बेसन ली हूँ, उसमें मैंने दो टेबलस्पून घी डाली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। देखिए, मिक्स कीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ डो रेडी करना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए, अगर यही डो में आप सेव भी बना सकते हैं तिक्का वाला, तो इसमें हल्दी और नमक डालना पड़ेगा आपको। ये डो हमारा रेडी हो चुका है, इतना ही स्मूथ होना चाहिए। अब एक चकली में कर लीजिए, जिसमें सेव बनाने वाली जाली होती है वो लगा के आप इसमें ये बैटर डालिए। अगर आपके पास इस तरीके का चकली मेकर नहीं है तो आप एक प्लास्टिक के बैग में सुई के मदद से छोटा छोटा होल बनाइए और फिर उसके बाद में इसको सेव निकालिए। तेल गर्म हो चुका है, तेल को अभी गैस स्लो करके आप ये सेव निकालिए। देखिए, जब सेव हम डालते हैं तो ये बबल्स जैसा आता है तेल में, बस ये तेल में जब बबल्स ख़त्म हो जाता है तो समझ जाना कि ये सेव रेडी हो चुका है। इसको दोनों साइड ब्राउन होने तक का अच्छे से पकाइए। ये मिठाई मुंबई साइड में मिलती है, लेकिन मुंबई में भी हर बाजू हर तरफ नहीं मिलता, एक दो दुकानों में ही ये मिठाई अवेलेबल है। ये सिंधी स्पेशल मिठाई है, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। सेव से भी बर्फ़ी बनती है, ये मुझे पहला नहीं पता था। जब मेरी फ्रेंड ने एक बार मुझे ये बर्फ़ी लाके खिलाई थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम इसको खाई थी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो मैंने सोची क्यों ना मैं भी ये रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। देखिए, ये कितना सेव कितना क्रिस्पी बन चुका है। अब इसमें एक कटोरी मावा और एक कटोरी दूध और एक कटोरी चीनी। जो कटोरी में मावा लेते हैं ना, उसी के मेजरमेंट में आपको दूध और चीनी लेना है। अगर एक कटोरी मावा बनता है तो एक कटोरी, अगर आधा कटोरी बनता है तो आधा कटोरी। तो सबसे पहले आप मावा रेडी कीजिए, या मावा दुकान से रेडीमेड भी ले सकते हैं। मावा की रेसिपी हमारे चैनल में है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसमें आधा खोया डालिए। देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें केसर मिला हुआ दूध, रोज़ वाटर और इलायची पाउडर, इन सबको डाल के मिक्स करना है। सेव बच जाता है तो उसमें सेंग और कड़ी पत्ता डाल के आप उसका चूड़ा भी बना सकते हैं। अभी इसमें हम सेव ऐड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे मैंगलोर में रहते हैं तो हमें ये मिठाई नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने सोची कि मैं खुद ही बनाऊं और आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। अब इसमें सेव डालिए। देखिए, दूध में सेव अब्सॉर्ब कर ले पूरा दूध, तब तक इसको पकाना है। लेकिन गैस हमको स्लो ही रखना है, फास्ट नहीं रखना है, स्लो में ही हमें इसको पकाना है। बस अब इसमें घी डालिए, घी भी ज़्यादा नहीं लगता है, 2 टेबलस्पून काफ़ी है इसमें और बहुत टेस्टी बनता है। देखिए, ये दूध और सेव सब मिक्स हो गया है, सेव ने दूध को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। बस इसमें भी गैस बंद करके खोया डालिए और यही तपीली में इसी तरीके से इसको रख के ठंडा होने दीजिए आधा घंटे के लिए। उसके बाद में इसको ट्रे में सेट कीजिए। देखिए, ये बराबर से दूध और वो सब अब्सॉर्ब हो चुका है, इसका क्वांटिटी भी बराबर है दूध और खोया और सेव का, तो 2 कटोरी ही सेव लगेगा इसमें। मेजरमेंट आप बिल्कुल याद रखिए, 1 कटोरी पे 2 कटोरी। देखिए, ये मेरा कम से कम 1 किलो के आसपास ये बर्फ़ी रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं कटा हुआ बादाम और पिस्ता डालूंगी। अगर और कोई ड्राई फ्रूट आपको डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, सेव, मावा, वो सब उसका टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए, इसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने के बाद ही इसका पीसेस करिए। ये पीसेस देखिए कितना अच्छे से निकल रहा है, ये आप कोई भी फेस्टिवल में आप बना सकते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना।
मेरी रेसिपी को। देखिए ये कितना अच्छा बना है और कितना टेस्टी लग रहा है। ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।